हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग मैनेजमेंट से क्या रोल ऑफ हेड नर्स होता है एक वार्ड को कंट्रोल करने में ठीक है वार्ड कंट्रोल में क्या नर्सेस का रोल है आज हम ये पढ़ेंगे इस टॉपिक में ये नर्सिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट का टॉपिक है ठीक है बीएससी एस फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए तो स्टार्ट करते हैं क्या होता है रोल हेड नर्स का एक वार्ड को कंट्रोल करने में केरिंग आउट द इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रक्शन ऑफ द मेडिकल ऑफिसर रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ ट्रीटमेंट एंड जनरली असटिंग द मेडिकल ऑफिसर टू अचीव हर थेरापूटी केम्स क्या है जो कैरिंग uh, आउट जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं मेडिकल ऑफिसर के लिए रिगार्डिंग जो ट्रीटमेंट है जो पेशेंट को हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है उसे ऑब्जर्व करना है उसके रिकॉर्ड के प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो भी उसकी रिकॉर्ड है उसके हिसाब से से हमको क्या है उसको ट्रीटमेंट देना है और उसको प्रोग्रेस में लाना है ठीक है ये सारा एक मेडिकल ऑफिसर का वर्क होता है जिसको क्या है एक हेड नर्स है वो अचीव करवाती है जो नर्सेज हैं उनको भी सुपरवाइज़ करती है और वहाँ पे अपना कंट्रोल रखती है जो कि वो थेरापूटिक एम्स को वो अपने कंप्लीट कर पाएँ उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग जर्नल क्लीनलीनेस एंड केयरफुली इन्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट और क्या है नर्स हेड नर्स का काम होता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट है वो क्लीन रहे और केयरफुल इन्वामेंट रहे जिससे कोई पेशेंट को अदर फर्दर कोई इन्फेक्शन ना हो और कोई इंजरी ना हो किसी इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ हार्म फुल जैसे ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए जिससे क्या हो पेशेंट को इंजरी हो जाए ठीक है सुपरवाइजिंग केयर एंड मेंटेनिंग द बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग एंड अरेंजिंग रिपोर्ट्स थ्रू द मेडिकल ऑफिसर क्या है उसको सुपरवाइज करना है केयर एंड मेंटेन उसका केयर मेंटेनिंग का जो बिल्डिंग है या फिर जो फर्नीचर है वो उसके कंफर्ट के हिसाब से होना चाहिए और सारा सिस्टमेटिक अरेंजिंग तरीके से सारा कुछ होना चाहिए ठीक है उसके बाद कीपिंग द वार्ड इक्विपमेंट इन ऑप्टिमम स्टेट और जैसे ही मतलब कि जो वार्ड के इक्विपमेंट्स होते हैं उनको क्या है एक ऑप्टिमम स्टेट में रखना चाहिए असिंग ऑफ ड्यूटी फॉर पेशेंट केयर ऑफ द स्टाफिंग वर्क इन द वार्ड क्या है असाइन करना है उनको कि जिस पेशेंट को केयर देना है जिसका जिस वार्ड में क्या है ड्यूटी है वो उसको वैसे ही उसको वहाँ का वर्क संभालें और स्टाफ का जो वर्क है वो अपना अकॉर्डिंग टू वार्ड वो अपना पेशेंट को केयर दें ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरिंग दैट ऑल स्पेसी आर सेंड टू लेबोरेटरी इन टाइम एंड रिजल्ट कलेक्ट क्या है कि कोई भी ब्लड सैंपल है लिया है किसी पेशेंट का या फिर यूरिन अनालाइसिस होने के लिए है यूरिन टेस्ट होने के लिए है या कोई सा भी टेस्ट है तो क्या है जो भी हमने सैंपल लिया है उसको लैब तक तुरंत टाइमली पहुँचाएँ और उसका रिज़ल्ट भी कलेक्ट करके पेशेंट को उसके ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करें ठीक है मेंटेनिंग ऑल रजिस्टर एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर इन द वार्ड जो भी रजिस्टर होते हैं एक ए, स्टाफ रूम में या फिर जो मतलब जहाँ नर्सेज बैठती हैं एक वार्ड का जो रजिस्टर होता है डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भी क्या करना है साथ ही साथ मेंटेन करना है उसमें सारा डाटा पेशेंट का लिखना होना लिखा होना चाहिए ट्रेनिंग ऑफ नर्सिंग एंड अदर पर्सनल्स वर्किंग इन द वार्ड और क्या है जो ट्रेनिंग देना चाहिए हमें जो अदर ऑफ नर्सिंग्स को एंड अदर पर्सनल वर्किंग जो भी वार्ड में कर रहे हैं उनको जिसको जिससे क्या हो सके वहाँ का इन्वामेंट अच्छा हो सके और नॉलेज हो सके और हम लोगों को अवेयर कर पाए ठीक है तो ये होता है एक हेड नर्स का काम जो कि वो करती है मेंटेन और कंट्रोल करने के लिए एक वार्ड को थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो कंटिन्यू टू विजिट माय चैनल और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा शेयर भी करिएगा चैनल को थैंक uh, यू